मेरे पीछे यहाँ पर पेड़ में आपको कुछ लेमन नींबू जैसा कुछ फ्रूट दिख रहा है। इट्स कॉल्ड हिंगोट। इसका बॉटेनिकल नेम है बैलेनाइटिस एजिप्टिका। और पहले के ज़माने में इसको एज अ सोप नट यूज़ करते थे, क्योंकि जैसे हम रीठा को यूज़ करते हैं हेयर वॉश के लिए या वूलन्स को धोने के लिए, ऐसे ही जब सरिस्का टाइगर रिजर्व के रिमोट एरियाज़ में, विलेजेस में जब केमिकल सोप अवेलेबल नहीं थे आज से 30, 40, 50 साल पहले, तो लोग इससे कपड़े धोया करते थे। आप इसको पानी में डाल देंगे तो नेक्स्ट डे पानी का जो कल्चर है वो सोपी हो जाएगा और उससे कपड़े धो सकते हैं और कपड़े एकदम साफ़ धुलते हैं। और गाँव में अक्सर आप देखेंगे कि भले ही धूल मिट्टी हो, लेकिन गाँव में लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं जनरली। इस रीजन में जहाँ डेंस फॉरेस्ट है, सफ़ेद कपड़ा पहनने का एक पर्पज़ ये है कि नेचर में कोई दूसरी चीज़ सफ़ेद बहुत कम देखने को मिलती है, तो एक प्रोटेक्शन होता है, एक सेफ्टी है कि अगर आपने सफ़ेद कपड़ा पहना है तो आप दूर से दिख जाएंगे। तो जंगली जानवर, जिनको हम हिंसक जानवर कहते हैं, वो अक्सर दूरी बनाए रखते हैं दो पैरों के जानवर यानी कि आदमी से। और वाइट कपड़े की वजह से आप दिन हो चाहे रात हो, आप आसानी से देखे जा सकते हैं दूर से। और जंगलों में अक्सर लोग सफ़ेद कपड़े, खासकर आदमी लोग जिनको ज़्यादा मूवमेंट करना होता है, अक्सर वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए दिखेंगे। उनका ये एक शायद लॉजिकल रीज़न मैं कहूँ कि क्यों वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं जंगलों में, आपको उसका एक रीज़न शायद ये है। और वो सफ़ेद कपड़े धोने के लिए या सारे ही तरह के कपड़े धोने के लिए इस हिंगोट का इस्तेमाल किया करते थे।